दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब दोस्तों को मसूद गुंदर का सलाम पहुंचे। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है ये हमने 14 जनवरी 2024 को बनाई थी और ये हमने खुंजराब पास से लेके इस्लामाबाद तक बनाई है दोस्तों। और ये वीडियो हमने अपनी गाड़ी टोयोटा PJ40 डेवल्स लव की छत पे लगे हुए गारमेन वर्म 30 अल्ट्रा कैमरे की मदद से बनाई है। और दोस्तों, ये एक एक इंच की वीडियो। खुंजराब पास जो है वो बॉर्डर है, पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है और 4693 मीटर जो है वो सतह समंदर से बुलंद है। ये दुनिया का बुलंद तरीन पेव्ड यानी जो बना हुआ इसमें सड़क है वो बॉर्डर क्रॉसिंग है। और चूँकि बहुत बुलंदी पर है तो यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है और सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो -30 तक जो है वो यहाँ पे गिर जाता है। गर्मियों में भी जब यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे उमूमन जो है वो बर्फ़बारी ही होती है। तो गर्मियों में भी जब आप जाएँ यहाँ पे खुंजराब पास में अक्सर व बेशतर जो है वो लाइव स्नोफॉल देखने को मिलती है। खुंजराब पास दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को चीन के साथ मिलाता है और ये सड़क जो है ये 745 किलोमीटर है इस्लामाबाद से। और इसकी तामीर कराकरम हाईवे की तामीर जो है वो 1962 में शुरू हुई थी और 1978 में ये कंप्लीट हुआ। जब खुंजराब पास से हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो जो पहला शहर आता है वो सोस। इस सड़क को बनाते हुए 810 पाकिस्तानी और 200 चीनी वर्कर जो है शहीद। और ये दुनिया के कई बुलंद पहाड़ों पहाड़ी सिलसिलों को टच करते हुए कराकरम हाईवे जो है वो जाता है हिमालय, हिंदुकश और कराकरम। रास्ते में कई बड़े बड़े शहर आते हैं, जैसे कि जब हम खुंजराब पास से आएंगे तो सोस्त आएगा, सोस्त के बाद पासू आएगा, पासू से आगे फिर जो है वलियाबाद, करीमाबाद और उसके बाद गिलगत, जंगलोट, रायकोट, चिल्लास, दासू, पटन, निशाम और फिर आगे थाकोट। और थाकोट से जब आप मोटरवे पे चढ़ जाएंगे फिर आप आगे इस्लामाबाद घूम सकते हैं या रास्ते में अहमदाबाद, मानसहरा भी घूम सकते हैं। तो खुंजराब पास में दुनिया की बुलंद तरीन एटीएम मशीन भी है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंस्टॉल की है और वो वर्किंग मशीन है। गर्मियों में आप उससे पैसा भी निकाल सकते हैं। जो नॉर्दर्न एरियाज में हमारी टेलीकॉम की कंपनी है एसकॉम, उसने खुंजराब पास तक 4G सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हुई। जब आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएं तो कोशिश करें एसकॉम की सिम ले लें, उस पर आपको जगह जगह पर 4G की सर्विसेज भी मिल सकती है। ये जो दोस्तों कराकरम हाईवे है इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। और जब आप इस पे सफ़र करते हैं तो महसूस होता है कि वाकई ही ये 8वां अजूबा भी है। इस कराकरम हाईवे में जब हम गुजराब से वापस आते हैं तो आपको कई बुलंद तरीन पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, उनके व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे मुंजा में आपको राका पोशी व्यू पॉइंट मिलता है, इसी तरह मुंजा में पासू से आप पासू ग्लेशियर का नज़ारा भी कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप आगे आते हैं तो गिलगित के पास जंगलोट है, वहाँ से आप नागा पर्वत का नज़ारा भी कर सकते हैं। और जंगलोट ही ऐसी जगह है जहाँ पे दरियाए सिंध जो है वो कराकरम हाईवे के साथ हो जाता है और वहाँ पे दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध का जो है वो मिलाप। और जंगलोट ही वो जगह है जहाँ पे दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकरम, हिंदुकश और हिमालय आपको मिलते नज़र आते हैं और आप देख सकते हैं।
ये कराकरम हाईवे खुंजराब पास से जब पाकिस्तान की तरफ आता है उसके साथ साथ जो है वो खुंजराब नाला या खुंजराब दरिया कह लें तो वहाँ से शुरू होता है, इसके साथ साथ चलता है वादियात हंजा में शामिल हो जाता है, वो दरियाए हंजा आगे आगे फिर दरियाए गिलगित में शामिल हो जाता है और जंगलोर के मुकाम पर दरियाए गिलगित जो है वो शामिल हो जाता है दरियाए सिंध में, और फिर ये दरियाए सिंध माइटी इंडस जिसको कहा जाता है ये कराकरम हाईवे के साथ साथ चलता है थाकुम का, और सारा जो ये सफ़र है ये फिर दरियाए सिंध के साथ साथ। दोस्तों ये चूँकि कराकरम हाईवे ये सारा जो है वो पहाड़ों के अंदर है इसलिए यहाँ पे गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी चाहिए, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसके ऊपर 40 किलोमीटर के अंदर रिकमेंड है, कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो 40 किलोमीटर की जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करें, क्योंकि टर्न्स बहुत है, मोड़ बहुत है, और दरिया वाली साइड पे कोई हिफाजती भी नहीं लगे हुए मोस्ट ऑफ जगह पे कि अगर आपके साथ कुछ हो तो आप बचाव कर सकें, अपनी लेन में रह के चलाना चाहिए, और जो स्पीड है जो उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने महसूस की हुई है वो निशान देखें और उसको फॉलो करें ताकि हादसा ना हो, वरना इस रोड पे हादसा बहुत होते हैं और उसकी वजह भी यही होती है कि स्पीड कर रहे होते हैं और गाड़ी फिर जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये सफ़र चूँकि हमने सर्दियों में किया था तो जगह जगह पे आपको बर्फ़ नज़र आएगी, जगह जगह पे आपको जमे हुए आबशार नज़र आएंगे, जगह जगह पे आपको जमे हुए दरिया नज़र आएंगे, हमारे जो इब्तदाई कुछ हिस्से हैं खुंजराब पास से हमारी वापसी। दोस्तों हमारी आज की वीडियो कराकरम हाईवे पे खुंजराब पास से लेके इस्लामाबाद तक के हमारे सफ़र का 13वां हिस्सा है। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखें, और जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए करम सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी आप कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन आ सके। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें, शुक्रिया।